जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया और सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। बेसिकली इसी का पुराना नाम था लॉयड्स स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लेकिन बाद में नाम चेंज होकर लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड कर दिया गया है। हाल ही के दिनों में चेंज हुआ है, कुछ ज़्यादा पुराना अपडेट नहीं है, नाम में कुछ नहीं रखा है। बेसिकली काम के बारे में समझेंगे और आपको बताऊंगा राइट इशू आने के बाद इस स्टॉक्स में क्या बदलाव हुए हैं और आगे इसमें और क्या क्या नया अपडेट आपको देखने को मिलेगा। तो आपके यदि इन्वेस्टमेंट है और नया भी कोई व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो काफ़ी कमाल की वीडियो होने वाली। चलिए शुरू शुरू करते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि ये स्टील के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। बेसिकली जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं हैवी, जो ऐसे मशीन जो हाइड्रोकार्बन सेक्टर्स, आयल और रिफाइनरी जैसे प्लांट्स में काम आते हैं, उन मशीनों के लिए ये हैवी इक्विपमेंट उनके लिए सामान्य तैयार करती है। काम काफ़ी बढ़िया है कंपनी का। यहाँ पे आप स्किनर की वेबसाइट पे इनके काम को डिटेल्स में समझ सकते हैं, लेकिन हमें मोटा मोटी बस ये समझना है कि स्टील के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। स्टील तो बनाती है, साथ में जो बड़े बड़े गाड़ियाँ होती हैं उनके लिए ये इक्विपमेंट्स बनाने का काम करती है। और काम के बेसिस पर भी शेयर प्राइस में आप देखेंगे तेज़ी आपको देखने को मिल रहा है और लंबी अवधि में ये तेज़ी आपको और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब फंडामेंटल समझते हैं। देखिए, ये राइट इशू आने के बाद शेयर प्राइस पे एडजस्टमेंट हुआ है। तो ये होता भी जब भी कोई कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो शेयर प्राइस में एडजस्टमेंट होता है। अब फंडामेंटल समझेंगे, तकरीबन 5,500 करोड़ के आसपास कंपनी पहले एक पेनी स्टॉक हुआ करता था। दोस्तों आपको पता होगा हम लोग इसी चैनल पे इस स्टॉक को जब इसका प्राइस 14-15 रुपये हुआ करता था तब से इसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं और अभी इसका प्राइस 14-15 रुपये से बढ़कर तकरीबन 50 रुपये हो गया है और आगे और भी ज़्यादा इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर का ग्रोथ है। तो इसलिए इसको हम लोग को ध्यान रखना जरूरी है इस स्टॉक को। तो आप समझिए इस स्टॉक का अगर पीई देखेंगे तो 84 के आसपास, जो कि काफ़ी महंगा है। तो हम लोग इतना महंगा पीई पे नहीं बाय करेंगे, इसलिए चार्ट पर लेवल देखेंगे और चार्ट पर जो लेवल निकल कर आएगा उस लेवल के हिसाब से बाई सेल करेंगे ताकि हमारा कुछ नुकसान ना हो। अब देखिए शेयर प्राइस देखेंगे तो 47.90 रुपये, जिसमें मैंने बताया तकरीबन 48 रुपये इसको मान सकते हैं और बुक वैल्यू 2.5 रुपये के आसपास से बुक वैल्यू से शेयर प्राइस ज़्यादा है, ये बढ़िया बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी कमाल का है और आर ओ सी ई भी देखेंगे तो 29.2% के आसपास है। बेसिकली आर ओ सी ई होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें इन शेयर होल्डर्स का और जो कंपनी बोरो ली होती है उसका पैसा, इसलिए आर ओ सी ई मेन होता है आर ओ ई रिटर्न ऑन इक्विटी, आपकी इक्विटी पे कितना परसेंट कंपनी साल भर में रिटर्न निकाल कर देने का दमखम रखती है इसको आर ओ ई कहते हैं। तो हमें हमेशा यह देखना चाहिए और ये तकरीबन 25.5% के आसपास है, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट पर साल भर में इतना रिटर्न कंपनी निकाल कर दे सकती है। अब ये एक साल के चार्ट पर आते हैं और यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, अगस्त 2023 में कंपनी का शेयर प्राइस ये जबरदस्त इसमें बढ़ते हुए दिखा था और उसके बाद से स्टॉक प्राइस एक कंसोलिडेशन रेंज में चला गया। तो कहेंगे अभी तक ये स्टॉक आपको कंसोलिडेट करते हुए दिखेगा, तकरीबन 50 रुपये से लेकर नीचे में एक लाइन ड्रॉ करते 40 रुपये, इसके बीच में आप मान सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस 40 रुपये से 50 रुपये के बीच में तकरीबन एक साल होने ही जा रहा है और इसी के बीच में घूम रहा है। बीच में थोड़ा सा प्राइस ऊपर निकला भी था राइट इशू के टाइम में, प्राइस ऊपर गया था लेकिन फिर प्राइस नीचे आके इसी रेंज में आपको फंस गया है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, देखिए ऊपर में जब एम पैटर्न बनता है तो प्राइस नीचे आता है और नीचे में जब डब्ल्यू बनता है तो प्राइस ऊपर जाता है। देखिए नीचे में आपको डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन यहाँ पर होते हुए दिख रहा होगा और ये संकेत होता है प्राइस के ऊपर जाने का। अब चलिए इसको नहीं भी माने, ये कोई संकेत नहीं भी है, फिर भी जब कोई स्टॉक काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन रेंज में होता है तो कंसोलिडेशन रेंज में जितना लंबा समय बिताता है इस रेंज में उतना ही लंबा ब्रेकआउट होने के चांस होते हैं। तो जब भी इससे बाहर निकलेगा तो प्राइस ऊपर ही जाएगा और जितना समय इसमें बिता रहा है उतना ही लंबा इसमें आपको तेजी देखने को मिलेगा। तो आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो आप इसमें बने रहिए, समय दीजिए, नहीं है तो आप क्या कीजिएगा जैसे इसका प्राइस इस रेंज से बाहर निकले, जल्दी निकलेगा तो उसके बाद आप इसी ब्रेकआउट पे ही एंट्री कर लीजिएगा, यहाँ पे शेयर को बाई कर सकते हैं। एवरेजिंग करना चाहते तो अभी कर सकते हैं, हालांकि बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि प्राइस इसके नीचे भी आ सकता है तो इसका बहुत कम होता है, खासकर अच्छे स्टॉक्स में तो ऐसे नहीं होते हैं। रेंज बाउंड में फंसे होने के बाद जब शेयर प्राइस निकलता है इससे तो प्राइस हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। तो आपको यहाँ पे एंट्री करना है, मैंने बता दिया। और इससे रिलेटेड और भी कुछ आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ, जैसे देखेंगे बैलेंस शीट में तो आपको देखिएगा कंपनी के पास डेब्ट एकदम मतलब नाम मात्र का है, बहुत कम कर्जा है कंपनी के पास, यहाँ पे सिर्फ 22 करोड़ के आसपास कर्जा है। जबकि कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है देखेंगे तो बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, जो कंपनी के पास रिजर्व पैसा होता है वो 154 करोड़ के आसपास हो गया है बढ़ के। तो ये काफ़ी कमाल की बात है, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी के पास पैसा आ रहा है और कंपनी उस पैसे से तो कर्ज को बिल्कुल चुका ही दी है। अब जो पैसा आ रहा है कंपनी इस पैसे को अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगा रही है और ओवरऑल जो कंपनी का काम है वो काम मतलब डिमांडेबल काम है, लंबी अवधि में उसमें तेजी रहेगी क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो स्टील का यूज होता है वो घर बनाने से लेके बड़े बड़े उद्योगों और फैक्ट्री तक में काम आता है। इसलिए ये जो स्टील बनाने वाली कंपनी है इस पर फोकस रखना जरूरी है।
तो ओवरऑल एक मोटा मोटा मैंने आइडिया दिया है लोएड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड यानी कि लोएड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। आपको लगता है कुछ पॉइंट छूट गया है जो मैं मिस कर रहा हूँ, जो आप जानकारी लेना चाहते हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करना चाहते हो तो मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं तसल्ली से आपके सवालों का जवाब देता हूँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।